असीं मौजूद हैं लुधियाना के हलका आत्मनगर के जिथों बीजेपी के कैंडीडेट प्रेम मित्तल जी कंटेस्ट कर जा रहे हैं तो कुछ महिला भी इत महिलावां मौजूद ने उन्होंने तो भी जान लें कि कहना चाहोंगे हलका आत्मनगर के मित्तल साहब खड़ रहे हैं हालांकि बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं किहड़े तुसीं महिलावां दे प्रति किहड़े मुद्दे लैके जा रहे हो पब्लिक दे कोले? हाँ जी, पहला तो ये सीनियर डिप्टी मेरे मेयर रहे लुधियाने तो फिर MLA मानसा तो भी जीते आ तो काम भी बहुत किए ने जी। हाँ जी हाँ जी, तो हुण असीं BJP वालों खड़े हो जाएंगे। देखो दूसरिया पार्टियां वालों महिलावां दे लिए बहुत कुछ अनाउंस किया गया वा, BJP किहड़े मुद्दों के आधार के उत्ते महिलावां दे कोल जा रही है? नहीं जी, हुण मुद्दे तो यही है, हिंदुत्व का सारे पता ही है जी, जो भी अगे बढ़ के काम कर रहे हैं हिंदू, जो कुछ भी होया समाज दे विच सारे उस बारे जानते हैं जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, दसन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मित्तल साहब बारे कुछ कहना चाहोगे जी? बड़े सुलझे हुए कैंडीडेट ने जी, पहले कांग्रेस पार्टी विच बड़े काम किए हैं तो हुण जी BJP दे विच भी तो करांगे जी अगे आवांगे। तो सो जिस तरह तुम सुनिया कि काफ़ी सुलझे हुए कैंडीडेट ने, मानसा तो MLA रहे ने, एक्स डिप्टी मेयर ने लुधियाना तो, मित्तल साहब को चलते, मित्तल साहब किस तरह की राजनीति देख रहे हो इस बार, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हो तुम पंजाब दे विच राजनीति है जी, 2022 की राजनीति दल बदलन दे लई काफ़ी जानी जाएगी, की कहना चाहोगे? जो दल बदली की तुम गल की है, जिहड़ा वर्कर नूं पार्टियां च मान सन्मान नहीं मिलता और उन्हें 30-40 साल लाए होंगे ने, या तो वह वर्कर दुखी होया जो पुछनी होंगी तो दूजे पासे जांदा, ते बहुत सारे वर्कर लालच दे विच भी इधर उधर हो जाते हैं, या कई घरेलू मजबूरियां भी होंदियां ने जिहड़ियां कि वो दस भी नहीं सकते किसी नूं, सांझियां भी नहीं कर सकते। पर मैं इहनूं कहना भी कोई 2022 वाला जिहड़ा हैगा ना, ये दल बदलू वाला है नहीं, ये तो हिस्टोरिकल चीज़ां ने। पहला थोड़ा जिहड़ा मीडिया सीगा ये बहुत घट हुंदा सी जी, अज कोई नुकसान हो जाता तो महीने बाद पता लगता सी भी फलाने महीने आ हो गया, तो हुण मैं इत्थे बोल रहा तो चाहे तुसीं अमरीका दिखाई जाओ। सो इस करके तो हुण थोड़ा जिहा प्रचार वधदा है, ये सदे सीगा। मित्तल साहब हलका आत्मनगर की जे गल की जाए, आत्मनगर के किहड़े इदा के मुख्य काम ने जिहड़े तुसीं चाहुंदे हो कि जितण तो बाद पहलां करांगा? मैं बाकी तो जी मैं जो साड़ी पार्टी का आदेश ने, क्योंकि तन्ने साडे पार्टियां दे जिहड़े हैड ने बहुत ही सीनियर मोस्ट ने, बहुत लंबा तजर्बा उन्हां दा पार्टी दे विच, जो उत्तों आदेश आउणगे उहदे मुताबक भी कम करांगे। जो मेरी अपनी इच्छा है वो पहला इत्थे एक होस्पिटल लैके आउंदी है जिहड़ा कि आत्मनगर कंसीचुएंसी च नहीं, अज दे युग दा सरकारी, ते दूसरा इत्थे एक लड़कियां दा टेक्निकल कॉलेज, उहदी बहुत जरूरत है क्योंकि इलाका बहुत वड्डा है, ते लड़कियां नूं किसी नूं जलंधर जाना पैंदा है, किसी नूं चंडीगढ़ जाना पैंदा है, किसी नूं होर थां ते जाना पैंदा है, भी उह जिहड़ा हैगा साडा इहदा सुधार हो सके। दो मेजर जो ये हैगे, तीसरा अज इत्थे आपां बैठे हाँ, इत्थे नाल ही साडे रेलवे लाइन ते क्रॉसिंग है बिल्कुल साथों 200 फुट दूर ते, उत्थे आम ही जाम लग्या रहिंदा, ते मेरी वो इच्छा है भी जे भगवान ने ताकत दित्ती, मोदी साहब ने जिवें हिंदुस्तान दीआं 16-17 स्टेटां दी नुहार बदलती, उन्हां दा सानूं आशीर्वाद मिलिया सरकार बनाओ नहीं आ पंजाब दे लोकां ने, ते फंड देने ने मोदी साहब ने, क्योंकि पंजाब दी तां हालत इह है कि तनखाह जे जो करे भी जिहड़े फंडस ने सरकारां कोल नहीं, करजे लै लै के दे रहीआं ने हर साल 20-30-50 हज़ार करोड़ दा करजा उतरदे पिआ वधदे जा रहा। सो इस करके भी सरकार बनती है तो इतने आप
नंबर एक तो ओवरब्रिज, नंबर दो ते जे वो ना बन सकया कोई टैक्नीकल पोजिशन आ गई तो अंडरब्रिज इतने आप जरूर बनावे। तीन मुद्दे मेरे ये ने, तो चौथा मुद्दा मेरा यह है, ये कंस्टिट्यूएंसी केस किस्म की है जी, शिमलापुरी के वार्ड ने चार पांच वार्ड या दशमेश नगर के चेत सिंह नगर के ये वार्ड ने, या सेवकपुरा हो गया, डेरा कलसियां की बैक साइड होगी, अब्दुल्लापुर बस्ती होगी, वाइट क्वार्टर हो गए, ठीक है ना जी, साढ़ा उधर होर महल हो गए, जम्मू कलोनी होगी, ये जी साडे इलाके ने फौजी महला हो गया, निरंकारी कुछ इंजन शैड हो गया, ये बहुत कंजस्टेड एरिए ने, मतलब कोई एरिया ऐसा हुआ करमाला जिते 30 फुटी रोड होगी नहीं, 12, 13, 15, 16, 18 ये समाल स्केल इंडस्ट्री का भी एरिया, कॉटेज इंडस्ट्री का भी एरिया, लोगों के कारोबार करना है, किसी का रेहड़ा खड़िया, किसी का टेंपू खड़िया, किसी का होर खड़िया, तो इन सड़कों वाइंडिंग तो नहीं किया जा सकता चौड़ियों, क्योंकि लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, पर जिमें जिमें लोग कहे जे कि मतलब ये ला लो भी गंदे पानी की समस्या है उन्होंने भी दूर करांगे, जे पानी का प्रेशर घट आ रहा उन्होंने भी दूर करांगे, ये रोड की समस्या उन्होंने भी दूर करांगे, जे लाइट की समस्या उन्होंने भी दूर करांगे, तो जे कि होर इलाके के मुताबिक जिमें कि मेरी इच्छा है भी पावर कट ज़्यादा क्यों लगते हैं, फ्लक्चुएशन क्यों होती है, कि साढ़े को ग्रिड घट ने तो इंडस्ट्री ज़्यादा है, मेरी इच्छा भी जे कोई सरकार की जगह शिमलापुरी च पई हो जगह के हिसाब न 32 KV का ग्रिड, 66 KV का ग्रिड, ठीक है ना, यह जे 3-4 पावर ग्रिड भी बनाए जाएंगे ताकि लोगों की जी है समाल स्केल की कॉटेज इंडस्ट्री की ये हल होए। तो तीसरा होंगे एक बरसाती पाइप, सीवरेज बहुत पुराने पे हुए हैं, जो जिनी आबादी होंगी है वो हिसाब न सीवर इतने पे हुए हैं, पर हूँ आबादी उदो कई गुना वध हो गई, लोड वध गया, तो उन्होंने भी कोशिश करांगे भी किवें ना किवें कि वो बड़े हो जाए, बरसाती पानी के पाइप भी पै जाए, वो हैगा इलाके वाइज लोगों की डिमांड, जो लोग कहेंगे वो असी डिमांड करा के देवांगे। नंबर दो, जिहड़ी कैनाल जा रही है गिल कैनाल असी इहनू कहिंदे आ, आदमनगर दी कंस्टिट्यूएंसी दे विच उहदी दोनों साइडां दे उत्ते असी वैलियां भी बनावांगे, ग्रीनरी भी करांगे, उहनू भी सजाउण दी कोशिश करांगे तां कि साडा जिहड़ा इलाका है उहदी नुहार बदल सके, उत्थे वध वधिया लोकां वास्ते सैर दी जगह होवे, जिहड़े कोई दुगरी फेस 1 फेस 2 दे विच वड्डे वड्डे पार्क पए ने जिन्हां की हालत अज कोई ज़्यादा वधिया नहीं है, तो उन्होंने लोगों के मुताबिक जो सराउंडिंग एरिए दे लोग ने वो की चाहते हैं उन्होंने पार्कों के, जिमें सीनियर सिटीजन ने साडे बजुर्ग ने भैन ने बजुर्ग ने वो सैर कर रहे हैं, तो मीह आ जाता उन्होंने कोई जान को जगह नहीं, तो उन्होंने पिछे शेड बनाए जाएंगे, धुप है तो 2 मिनट बह सकन, उन्होंने सैर करदे वास्ते पानी पीने की लोड़ है, तो कुछ की जाऊगी उन्होंने वास्ते पानी पीने वास्ते जोड़ा है गया। उदा जिमें वह कहे वह जहाँ प्रबंध किया जाए, मेरिया कुछ यह मन दियाँ अपन भी इच्छा है, पार्टी की भी बहुत बड़ी सोच है भी इतने वही डिवेलपमेंट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि साड़ा पार्टी का कार्यकर्ता जोड़ा है गया, हर गली हर कोने बैठे है, तो 30-35 साल तो जानता भी मेरे महल की जरूरत है, साढ़े साथी बैठे रहेंगे तो उन्होंने मुताबिक जी है ये डिवेलपमेंट कराई जाऊ। सो तुसी वेख्या कि किस तरह हर तरीके की इत्थे नुहार बदलन की कोशिश की जाएगी, मित्तल साहब का कहना वा हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखे, मित्तल साहब यूथ के लिए की सोचे है, क्योंकि रुजगार एक बहुत बड़ी समस्या है इत्थे सेंटर दे विच बीजेपी सरकार चल रही है, अगर इदा का तालमेल बन जाता वा पंजाब की नो डाउट बहुत ज़्यादा जी है अलग ही शेप बन सकती हैगी, लेकिन यूथ के लिए की सोचे तुसी?
जिहड़ा अज दा युग है वह यूथ दे युग है जी। पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार बनती है महाराज साहब जिंदल साहब की, तो मोदी साहब का बहुत बड़ा विजन है साढ़े लोगों की बदकिस्मती पंजाबियों की। पिछली 5 तरीक न अज 5 है, सिर्फ 1 महीना पहला मोदी साहब पंजाब आ रहे थे फिरोजपुर, तो 47,000 करोड़ के तो प्रोजेक्ट घरों लेके चले से, तो बाकी इतने बह के लीडरशिप ने सलाह करके भी उन्होंने होर की चाहिए वो भी उन्होंने अनाउंस करना सी। ते जिहड़ी पंजाब दी उस टाइम ने मौजूदा सरकार सी ते या साढ़े अकाली भाई जिहड़े साढ़े सीगे उन्होंने ये पता सी कि आंदी सरकार बीजेपी की आ रही है, उन्होंने किसानों के रूप के चाहे कोई होर पार्टी सी आप वाली सी किदा किदा ना लीए अपने बंदियां साढ़े जिहड़े वैरियर सी उत्थे खड़ा करता, कुछ तो उन्होंने फोर्सेस ने मदद की, कुछ लोगों ने वैरियर तो साढ़े लखां दी तादाद वर्कर नहीं अगे जान दिते। तो जिथों मोदी साहब भाई रोड जा रहे सी वो रोड जाम करती नारे मारन लग गए, क्या एक सभ्यता है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस तरह रोकया जाए, वो गल करना है गल करो जे तुहाड़े च काबिलियत है तो तुसीं अपनी काबिलियत नाल वोट लो, पंजाब का क्यों नुकसान कर दो। जे मोदी साहब 47,000 करोड़ 50,000 करोड़ 80,000 करोड़ अनाउंस करके जाते तो उहदे विच जिहड़ी वड्डी इंडस्ट्री लगनी सी तो उहदा फायदा किहनूं हुंदा, साडे नौजवान साथियों जिन्हें तुसीं गल कीती है युवा वर्ग नूं। साडा पंजाब तो यह ला लो भी इत्थे होर 5 साल नूं यही इहो जिहियां सरकारां रहियां तो नौजवान नहीं मिलना। जिहड़ा प्लस टू कर लैंदा उह कहिंदा मैं कनेडा जाना है, मैं आस्ट्रेलिया जाना है, चाहे साडी बच्ची है तो चाहे साडा बेटा है, क्यों इत्थे रुजगार उह सरकारां दे ही नहीं सकियां। सर किसानां दी भी गल कीती है तुसीं, हालांकि पुल दी गल कीती तुसीं, टैक्नीकल कॉलेज दी गल कीती है, मुख जिहड़ा कॉम्पीटिशन है किहदे नाल मानदे हो तुसीं, क्योंकि इत्थों कई पार्टियां दे कैंडीडेट जिहड़े हैगे है ऑलरेडी अपना प्रचार शुरू कर चुके ने, तुसीं किस दे नाल कॉम्पीटिशन देख रहे हो अपना? प्रचार तो जी असीं भी शुरू कीता, कॉम्पीटिशन तो जी गल है भी पब्लिक ने देखना है भी किहदा कंपीटिशन किहदे नाल है गया, तो असीं वोटां किहनू पाउणियां ने। मैं अज पढ़ रहा सी कल पेपरां दी जिहड़ी सी वापसी भी सी, सिंबल अलाट होए सी 22 कैंडीडेट ने इत्थे 22 आत्मनगर तो, और 22 ही कहिंदे ने मैं जितूंगा 21 हार देंगे, उन्हां बाईयां दे विच्चों जिताना इक नूं है, वह 2 आदमी ने जिताने वाले, पहला वो परमात्मा, दूसरा इस इलाके की पब्लिक जिन्हें वोट पाउणी है वह जिहदे गल च हर पा देणगे लोगों नूं मन लैणगे। कि इस गल का फायदा मिलेगा, 22 कैंडीडेट तुसीं कह रहे हो कि खड़े हो रहे ने, वोट शेयरिंग है जिहड़ी उहदे नाल बीजेपी नूं मदद मिलेगी कुछ? जिहड़ी वोट शेयरिंग हो रही है तुसीं कहिंदे हो, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया वी 22 कैंडीडेट ने, 22 दे विच्चों मेरे हिसाब नाल 12-13 कैंडीडेट तो वह होणगे जिहड़े 100-150 ते रह जाणगे, हुण उहदा किन्ना कि बीजेपी नूं बेनीफिट होना जां किसे नूं होर होना, ते 5-6 उह होणगे जिहड़े 2,000-2,500 ते रह जाणगे, लै दे के 5 कैंडीडेट ही रह जाणगे, उह 5 कैंडीडेटां ने जितना। और मेरा ख्याल है भी लोग जो मन बनाई बैठे ने वो बीजेपी का मन बनाई बैठे। सो हर पार्टी वालों ये दावा किया जा रहा है कि उन्हों का कैंडीडेट जितेगा, जिस तरह मित्तल साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडीडेट जितनगे और सरकार भी बनाई जाएगी। सर आप दाणा मंडी के बैठे हैं तो किसान अंदोलन होकर हटिया वा, किसानों दिया जो मंगा सगिया वह भी सेंटर गवर्नमेंट ने जिदा उन्हों की डिमांड सी कानून सके जोड़े वो रद्द कर दते गए हैं, किसानों को किस तरह जाएगी बीजेपी? जो
दो बंदों का आपस में टकराव होता है तो उस तो बाद उन्होंने कंप्रोमाइज हो जाता है तो फिर उन्होंने मन मटाव खत्म हो जाता है। तो साडा किसानां नाल कोई लड़ाई ही नहीं। उन्होंने साल एक अंदोलन किया, अठ महीने अंदोलन किया, सवा साल अंदोलन किया। जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने ऑल डिमांड्स मान ली और इतों तक कि मैं नहीं देखे कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई राष्ट्रपति अपोलोजाइज करता होनी नम्रता नाल अपोलोजाइज भी कर लिया। तो नाल ये भी कहता भी जो तुम कहते हो अजी अखबार से तुम पढ़िया होना भी उन्होंने कहा भी आ सैशन तो बाद असी एम एस पी ते एक कमेटी बना जा रहे हैं जिदे विच किसान भरा भी मैंबर होंगे। तो फिर साढ़े तो किसानों से फर्क ही है, जाने प्यार भी करते हैं, सानू बिठाते भी ने, पिंड जाने चाह पानी भी पिंदे ने, गल भी करते हैं। तो जेडे कोई मेरे वर्गे है जिन्होंने एवं बांझी कट के रखना है उन्होंने 20 साल पहले भी कटे सी 20 साल बाद भी कटी रखेंगे उन्होंने नेचर उन्होंने। सो तुसी वेख सकते हो ये सन प्रेम मित्तल जी जो कि हलका आत्मनगर लुधियाना तो बीजेपी के कैंडीडेट ने पंजाब लोग कांग्रेस अकाली दल संयुक्त और बीजेपी के जिहड़े सांझे उम्मीदवार ने बहुत एक्सपीरियंस रखते ने। हलका मानसा तो MLA रहे ने, लुधियाना तो एक्स डिप्टी मेयर रहे ने और नब्ज़ अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर राजनीति की गल करिए लोगों दिया समस्यावां की गल करिए नब्ज़ अच्छी तरह पहचानते हैं। हर वर्ग के बारे इन्होंने गल की है तो ये तो टाइम ही हालांकि दसेगा कि आने वाले टाइम के कौन कैंडीडेट इतों जित के अगे आएगा तो इस हल्के समस्यावान किस तरह दूर होल। कैमरामैन बलविंदर के नाल अरुण कौशल की खास रिपोर्ट।